यूनस एमवे सीजन 1 एपिसोड 10। यूनस जो के कुत्ते का बर्तन उठा के खड़ा होता है, शेफ ने उसको हुक्म दिया होता है कि अब से तुम इस कुत्ते का ख्याल रखोगे, इसको खाना दोगे, इसको मानूस करोगे। जैसे ही शेफ अंदर जाते हैं, यूनस कुत्ते का जो खाने का बर्तन है वो जमीन पर दे मारता है। फौरन से शेफ वापस आते हैं, देखते हैं कि बर्तन जमीन पर पड़ा है। उनको समझ तो आ जाती है, लेकिन वो यूनस से कहते हैं कि जाओ जाके बाजी से खाना ले आओ, उन्होंने खाना बना दिया होगा कुत्ते का, और ये कहकर वो चल देते हैं। यूनुस बर्तन उठाता है, अंदर जाता है और कहता है कि बाजी ये खाना चाहिए कुत्ते का। बाजी सुल्तान से वो खाना लेकर दोबारा कुत्ते का खाना रखकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ जो ढिंडोरची है वो शहर में ऐलान करता है कि काजी की नई तकरीर हो गई है, अलियास अफंदी को काजी मुकर कर दिया गया है। ये जो खबर है वो पूरे शहर में ढोल बजा के देता है। मसूर आगा अजमी आगा की दुकान पर जाते हैं और अजमी आगा के पास बैठते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें इज्तिमा में यही सिखाया जाता है? क्या तुम सिर्फ ईमानदारी से तजारत करना ही तुम्हारा फर्ज है? तुम क्यों शेख के बारे में बातें फैला रहे हो, यहाँ उनके पीठ पीछे बातें कर रहे हो? अगर तुम अपनी खुद इन हरकतों से बाज ना आए तो मुझे जो है तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई इकदाम उठाने होंगे। दूसरी तरफ कासिम आगा जो जब जाता है यूनस के कमरे में, यूनस जो कि पहले ही अफसरदा बैठा होता है और सोचों में गुम होता है कि मैं अपना इस्तीफा देकर यहाँ पर आया, पहले मुझे बैतुल खला की सफाई पर लगा दिया, फिर मुझे औजार ठीक करवाने भेज दिया, और उसके बाद जो है अब ये कुत्ते की सफाई का कह दिया कि कुत्ते को ख्याल रखो, क्या मैं इसके लिए ही इस्तीफा देकर आया था? वो इन्हीं सोचों में गुम होता है। कासिम आगा अंदर आता है, कासिम आगा कहते हैं कि आप रात काफी सारी रात कहाँ पे रहे? यूनुस आगा से कहता है मैं नहीं जानता। कासिम आगा जो भी सवाल करता है वो यही कहता है मैं नहीं जानता, तो कासिम आगा कहता है वहां से उठकर चल देता है। यूनुस जो कि अपने कमरे में बैठ के यही सोच रहा होता है, उसके बाद वो फैसला करता है कि तुम्हें जाके शेख से बात करनी चाहिए, क्या मैं इसलिए यहाँ पे आया था कि ऐसे काम कर सकूं? वो उठता है और जाके फैसला करता है वो शेख से बात करेगा। अभी वो शेख के कमरे में जा ही रहा होता है, शेख आगा से आ रहे होते हैं और कहते हैं कहाँ है वो? वो कहते हैं क्या मतलब शेख साहब? तो वो कहते हैं कि कुत्ता कहाँ पे, कुत्ता वहाँ पे यहाँ पे बांधा हुआ था, वो नहीं है। वो कहते हैं वो एक जानवर है, उसकी तरबियत नहीं हुई, उसका पेट भर गया होगा तो वो चला गया होगा। ये लो पकड़ो उसका पट्टा और जाओ उसको ढूंढ के लाओ, हर कोने में, हर बाजार में, हर गली में, हर दुकान में देखो, जहाँ कहीं उसको कोई खाना दे रहा होगा वहीं मंडला रहा होगा वो, उसको लेकर आओ। ये कहकर खुद वो चल देते हैं और जो है यूनुस पट्टा हाथ में पकड़े जो है बाजार की तरफ चल पड़ता है। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, पूरा बाजार, गली कूचे, हर जगह वो देखता है, लेकिन कोई कुत्ता कहीं नहीं मिलता। सुबह से शाम हो जाती है और थक कार के आ जाता है, उसको गुस्सा भी चढ़ा होता है कि ये मुझे कैसा काम दे दिया है। तो इस तरह शेख भी बाजार में जाते हैं, सीधा बहराम आगा की दुकान पर जाते हैं और कहते हैं कि बहराम आगा नहीं है? तो कहते हैं कि हजूर वो इधर अभी काम कर रहे, थोड़ी देर पहले ही घर गए हैं। तो उसके बाद सातवीं दुकान पे देखता है, वो कहते हैं कि हसनू आगा नहीं आए? तो कहते हैं कि वो शिकार से शायद थक गए हैं, वो भी आराम कर रहे होंगे। शेख कहते हैं वाह, शिकारी भी आराम कर रहा है और शिकार पे गया हुआ भी आराम कर रहा है। ये कहकर वो आगे चल देते हैं। मसूर आगा सामने से आ रहे होते हैं और कहते हैं कि शेख आपने आके शर्त बख्शा। शेख जो है उसको लेकर बहराम आगा की दुकान पर चले जाते हैं। बहराम आगा की दुकान से फिर वो उसको अजमी आगा की दुकान पर लेकर जाते हैं। शेख अजमी की दुकान पर जाते हैं, अजमी जो आ गया उनको शरबत पेश करते हैं। उसके बाद जो है दरगाह के लिए 3 मसल्ले उनको देते हैं। शेख साहब कासिम आगा से कहते हैं इन मसल्लों को उठा लो। उसके बाद वो अजमी आगा से पूछते हैं कोई बात करनी है आपने, क्या कोई अगर बात कहनी है तो कह दीजिए। आगे से अजमी आगा कहते हैं कि ये मसूद आगा कहते हैं अखी बरादरी मुझे सजा देंगे, आप यकीन करें मैंने आपके बारे में कोई बात नहीं की। शेख आगे से कहते हैं कि तुम मेरे बारे में जो मर्जी पीठ पीछे बातें करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके हाँ अपनी बातों से किसी पे जुल्म ना करो। ये कहकर वो उठते हैं और वापसी की तरफ चल पड़ते हैं। कीरा जो कि बाजी सुल्तान के पास आती है और कहती है कि मैंने यूनुस को देखा है, वो कुत्ते का पट्टा पकड़ कर इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। बाजी सुल्तान कहती है यकीनन वो जो है कुत्ते को ढूंढ रहे होंगे। यूनुस एक दुकान, दूसरी दुकान, सारा बाजार छान मारता है, हर दुकान वाले उससे पूछता है क्या तलाश कर रहे हो यूनुस, क्या तलाश कर रहे हो? लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता और अपनी तलाश जारी रखता है। यूनुस थक हार कर वापस आ जाता है क्योंकि शाम हो जाती है। बाजी सुल्तान को कहती है कि आपको क्या कुत्ता मिला? वो कहते हैं कि मैंने तो पूरा दुकान, हर गली, हर बाजार में देखी है, मुझे कहीं भी नहीं मिला वो। वो कहते हैं कि उसका दुकान में, बाजारों में क्या काम?
वो तो कुत्ता कहीं खेतों में फिर रहा होगा, कहीं चश्मों पे या पहाड़ों पे हमारा गड्डी कर रहा होगा, वो बाजार में क्या करेगा। यूना सोचने लग जाता है, फिर मुझे शेख ने ये क्यों कहा था उसको बाजार में ढूंढो, दुकान में ढूंढो, ये हालांकि मैं सारा दिन ये यहाँ पे ढूंढता रहा। वो कहते कि नहीं, आप उसको खेतों में जाकर देखें, चश्मों पर देखें, पहाड़ों पर देखें, वहाँ पर आपको मिलेगा। रात हो जाती है तो वो बैठ जाता है कि चलो सुबह दोबारा ढूंढूंगा उसको। नमाज के बाद जो है महफिल का आगाज होता है। शेख कहता है कि आज मैं दर्स नहीं दे रहा, आज मैं मेरा कुछ भी कहने को दिल नहीं कर रहा, आप लोग सब अपने अपने घर जाइए। सिर्फ मेंबर साज हसन को वो रोक लेता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे काम है, तुम्हें अब खलवत में जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए यही मुनासिब समझता हूँ। ये कह के मेंबर साज हसन उठ जाता है, फिर वो सीधा यूनस के कमरे में जाता है, यूनस से गले मिलकर मिलता है और कहता है कि मैं खलवत में जा रहा हूँ, मुझे अपना जो है हक हलाल कर दीजिए। उसके बाद वहाँ से चल पड़ता है। यूनस एक दफा फिर कुत्ते की तलाश में निकल खड़ा होता है। यूनस जो है कुत्ते को तलाश करने इस दफा जो है खेतों में जाता है, खेतों में उसको कुत्ता मिल जाता है। उसको देखते ही यूनस उसको जो है पट्टा डालता है और घसीटता, वो कहता है चलो तुम्हें मैं दरगाह पर लेकर चलूँ। दरगाह पे वो बाजार से गुजरता, हर कोई देखता है ये तो यूनस फंदी है, ये तो यूनस फंदी है। एक ठोकर लगती है यूनस फंदी को और कुत्ते की जो है जंजीर छूट जाती है और कुत्ता आगे आगे चल पड़ता है। तो यूनस जो है उसके पीछे पीछे भागता है और उसको फिर दोबारा ठोकर लगती है। आगे अलियास से फंदी सूबेदार के साथ खड़ा होता है और वो कहते हैं ये कौन है, ये जो है अपने आप को जो ये पागल अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, कुत्ते को क्या संभालेगा, और हंसना शुरू कर देता है। उसी टाइम जो यूनस जिसका मुंह नीचे होता है ऊपर उठता है, तो जो अलियास अफंदी जो कि नया काजी होता है, वो यूनस का जो मदरसे का शागिर्दी होता है यानी उससे जूनियर होता है और अब वो काजी बन गया होता है। जब वो यूनस का चेहरा देखता है कहते यूनस तुम, जिसको वो पागल कह रहा था थोड़ी देर पहले, क्योंकि कुत्ते को लेके कुत्ता उसे संभाला नहीं जा रहा था। यूनस उसको नजरअंदाज करके फिर कुत्ते को पकड़ के दोबारा दरगाह की तरफ चल पड़ता है और वहां पे कुत्ते को बांध देता है। शेख साहब अपनी बेटी और बीवी के साथ खाना खा रहे होते हैं, कहते देखो कुत्ता अभी तक आया तो उसको खाना दे दो। बाजी सुल्तान कुत्ते को देखने जाती हैं, कुत्ता वापस आ गया और तब उसको खाना देती हैं और कहते उसको ज़्यादा ढूंढने में मुश्किल पेश तो नहीं आई। आगे से यूनस कहता है मुझे नहीं समझ आई मुझे शेख ने बाजारों दुकानों में क्यों तलाश करने को कहा, ये तो खेतों में फिर रहा था, आपकी बात ठीक थी, और उसको बांध देता है दोबारा वहाँ पर। कुत्ते को बांध कर यूनस जो है वापस अपने कमरे में आ जाता है। शेख साहब जो महफिल में दर्स दे रहे होते हैं, अब यूनस जो है दीवार से कान लगाकर थोड़ा सा दर्स सुनता है, उसके बाद अपने कमरे में आ जाता है। वो इसी सोच में सोच रहा होता है, गुम होता है इस सोच में कि मैं जो हूँ इस्तीफा देकर काजी का यहाँ पर आया था और मुझे किन कामों में लगाया, कभी आइनार के कमरे की सफाई, कभी बैतुल खला की सफाई, कभी औजार ठीक करवाओ, कभी बेराम को लेकर आओ, अब कुत्ते की तलाश में मेरा सारा दिन गुजर गया और मुझे दुकानों पे बाजारों में भेज दिया, कुत्ता तो मुझे खेतों में जाकर मिला है। इसी कश्मकश में होता है जहाँ
एपिसोड 10 का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मुख्य फॉलोअर बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।